उस छल किए जा। मुझे देरी हो रही है, बोल। मां भी तो तेरा 7 दिन में रिटर्न टिकट करवा के लेगी। बट यार, मुंबई से इंदौर वापस कौन जाता? रेशा, मैं कहीं नहीं जाने वाली जब तक मैं राइटर नहीं बन जाती। राइटर? अच्छा सौम्या, तुझे ना एक कहानी बताती हूँ। उन्हें बता, वॉचमैन है, उसे भी राइटर बनना था। लिखता है वो, लेकिन रजिस्टर में सबके आने जाने की एंट्रीज लिखता है। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सी सौम्या, आई फील तू ठीक ठाक तो है। आई मीन मेरे जितनी हॉट नहीं है, वो बात अलग है। बट यार, तुझसे ना बोरीवली कानीवली टाइप के लड़के ना आराम से फंस सकते हैं। बोरीवली में अगर तुझे 2 BHK टाइप के भी लड़के फंस गए ना, तेरी लाइफ मुंबई में सेट है, आई एम टेलिंग यू। फिर कैश ही कैश और ऐश ही ऐश, फिर लिखते बैठना। बट थैंक यू फॉर योर एडवाइस प्रिशा, थैंक यू। लेकिन मैं ना मुंबई में सेटल होने नहीं आई, मैं एक राइटर बनने आई हूँ। एक लेखक हूँ, कहानियां बनाती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मुंबई में भी अपनी जगह बना ही लूंगी मैं, और वो भी अपने टैलेंट के दम पे। बना ले। जरूर बनाऊंगी। क्या करूं, क्या बहाना देकर अंदर जाऊं? ऑडिशन के लिए आए हो? जी हाँ। दो मिनट, साइड में हो जाओ। जाइए। मुझे तो ऑडिशन रूम में नहीं जाना है, मुझे तो अरमान सर के केबिन में कैसे भी करके अपनी स्क्रिप्ट पहुंचानी है। कैसे जाऊं? फिकर के अरमान सर के केबिन में पहुंचना है, पर कैसे पहुंचूं, कहां से जाऊं? सब कुछ समझ नहीं। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो सीधा ऑफिस के बाहर कहां जाऊं? Yes, I will be there. हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? ना बाहर जा सकती हूँ, ना अंदर रह सकती हूँ। क्या करूँ? क्या? Listen, I'll talk to you later. मैं अभी एक मीटिंग में जा रहा हूँ, ओके? I'll call you back. Yeah. Mr. Malhotra. Yeah, I'll be there. Yeah, 5 minutes. Badam. इसने बादाम तो नहीं बांधे हैं गांठ में? मुझे
तो डाउट ही था। अरे पूजा प्रार्थना से अगर सपने पूरे होते तो तेरी मामी माधुरी दीक्षित ना बन जाती। हजारों लोग आते हैं मुंबई में ट्रेन से सपने लेकर, बेचारे भगवान किस किस की मदद करेंगे। मम्मी भगवान सबकी सुने ना सुने, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना जरूर सुन ली मामी। आपको पता है अरमान सर मेरी कहानी पढ़े, ये विश मांग कर मैंने ये गांठ बांधी थी, और आपने मामी आपने गांठ खोल दी। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अरमान सर ने मेरी कहानी पढ़ ली होगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। दिस इज द काइंड ऑफ लव स्टोरी आई वांट फॉर माय न्यू शो। ट्रेडिशनल येट न्यू एज, संस्कारी भी और एजी भी। व्हाट अ ग्रेट वर्क। हू इज द राइटर यार? मैं सौम्या वर्मा हूं एंड आई एम सॉरी। सौम्या वर्मा, वो इंदौर टैलेंट हंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था राइटर्स के लिए। बिकम अ राइटर। मिस सौम्या वर्मा, तुमने एक बार फिर प्रूव कर दिया दैट यू आर अ डैम गुड राइटर। तुम तो ओबरॉय टेलीफिल्म से बैंड हो, तो स्क्रिप्ट यहां कैसे पहुंची? यस सर। सेंड टू मी इन। ओके सर। अच्छा 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 ही होगा। ये ले बादाम है, गिन के दे रही हूं तुझे। 1 2 3 4 5 14 है, छील के रख देना। क्या है ना, प्रिशा को खिलाने हैं। तुझे भी मैं खिला देती, पर तू तो इंदौर से ढेर सारी अकल पहले ही लेके आई है, है ना? छील देना, मैं आती हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, आई लव यू। सर मुझे नहीं पता सर ये स्क्रिप्ट यहाँ कैसे आई। सर ये मेरा काम नहीं है सर। आई रियली लाइक जो सौम्या वर्मा ने लिखा है, इट्स अ डैम गुड स्टोरी। नाउ यू नो राइट, तुम्हें क्या करना है? सर सौम्या को ऑफिस बुलाना है। नहीं बुलाना है सिमी, जस्ट इमेजिन कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, ग्रेट लुकिंग, वेरी टैलेंटेड, बहुत ही अच्छा। क्या सर अभी भिगो के मार रहे हैं मुझे? बॉयफ्रेंड तो क्या, यहाँ पे तो कोई मुझे सोशल मीडिया पे स्टॉक तक नहीं करता, इडियट। एंड नाउ इमेजिन कि तुम्हारा उसके साथ बहुत खराब झगड़ा हो गया, बातचीत बंद, नो फोन कॉल्स, नो एसएमएस, नथिंग। हु डू यू थिंक शुड टेक द फर्स्ट स्टेप? ऑफ कोर्स मुझे सर, इतने अच्छे बॉयफ्रेंड्स मिलते कहाँ हैं सर। नहीं नहीं सर, मैं क्यों मनाऊं उसको? बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ, उसको सर पे थोड़ी ना बिठाना है मुझे। नहीं सर, उसे पहले मनाना चाहिए मुझे। That's all. Now you know, right? तुम्हें सौम्या वर्मा को कॉल करना है, नहीं करना है? She is desperate. By all means, उसने अपनी स्क्रिप्ट यहां तक पहुंचा दी, मेरे कैबिन में। तो ये भी जानना चाहती होगी कि मैंने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी या नहीं, right? Right, sir. इसका मतलब वो खुद से कॉल करेगी, वो खुद यहाँ आएगी, और ऐसे हमारा, I mean, आपका अपर हैंड रहेगा सर। या ओके ओके सर, योर स्टाइलिस्ट इज हियर। ओकेशन सर, हमारे बहुत पुराने एम्प्लॉय है ना, हमारे अकाउंटेंट, उनकी बेटी का संगीत है, उसके लिए आपने 30 मिनट्स अलॉट किए थे सर। अकाउंटेंट्स नेम? अनीता भार्गव। अनीता? नो, अनीता जी। अनीता जी की बेटी के संगीत में मेरा भी आना ठीक रहेगा क्या मामा जी? बिल्कुल ठीक रहेगा। सौम्या 2100 का शगन दे रहे हम लोग, सब लोग वही खाना खाएंगे। तू घर पे रहेगी तो उल्टा खर्चा बढ़ाएगी, फोकट का खाना खाएगी, और बिजली का बिल भी तो बढ़ेगा ना।
मान जा, वरना बिजली का बिल बढ़े ना बढ़े मेरा वीपी जरूर बढ़ा देगी तेरी मामी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, बस यही बोलना था, चलेगी तो अच्छा लगेगा। अरे सौम्या, तुझे कुछ काम वाम भी आता है कि बातें ही बनाती है तू? सब काम आता है मुझे मामी। आप बस बोलो आपको मुझसे क्या काम है। बोलो। ये ले, ये प्रिशा की ड्रेस है, इसे इस्त्री करनी है। अब मुझे तो तैयार होना है, मेरे पास टाइम कहाँ है। अब प्रिशा बाहर से आएगी, उसे भी टाइम नहीं मिलेगा, तो तू ही कर ले इस्त्री, मैं आती हूँ। जी मामी। अरे सौम्या ऐसे छोड़, मैं कर दूंगा। आप टेंशन मत लो मामा, मैं कर लूंगी। पापा को फोन। अच्छा पापा, कैसी है मेरी बहादुर बच्ची? बिल्कुल अच्छी है। शाबाश। और तेरी कहानी का क्या हुआ, पढ़ी उन्होंने? पढ़ लेंगे ना पापा, अब जब रास्ता इतना स्पेशल है तो मंजिल थोड़ी तो मुश्किल होगी ना। अरे ये सब सवाल जब आप छोड़ो, मेरा सब काम हो जाएगा। आप बताओ आप कैसे हो? ये सौम्या है मेरी भांजी, इंदौर से आई है। अच्छा, नमस्ते आंटी। अरे जीते रहो बेटा। आई शप्पत, आई तो है राइटर बनने, पर देख तो नखरे इसके एक्टिंग करती रहती है। कम ऑन मॉमी, मैंने कहा था ना कि 2 out of 10 वाली पार्टी में मुझे मत लाया करो। आई मीन मैं ये मिडिल क्लास फंक्शन में इसलिए फिट नहीं हो पाती। सुन, ये अनीता है ना अनीता, ये तेरे टीवी वाले अरमान की कंपनी में सालों से काम करती है। तू देखना, यहाँ बड़े बड़े पैसे वाले लोग जरूर आएंगे। और वो तेरा चंपू है ना, चंपू, कोई अच्छा राजकुमार वो भी पैसे वाला तुझे जरूर मिलेगा। हाँ मौन मामी, हरा होने से अमृत कोई एवोकाडो नहीं बन जाता। शांति कहाँ है? वो यहीं है। शांति आओ ना। शांति, मिसेस वर्मा। नमस्ते वर्मा जी। आंटी मेहंदी की रस्म शुरू होने में और कितना टाइम लगेगा? लड़के के फूफा जी अभी आने ही वाले होंगे। बेटा 10 मिनट और, कुछ नाश्ता कर लेना। ठीक है, मैं अभी फोन लगाती हूँ, बैठो। आंटी एक्सक्यूज मी, सॉरी आपको ऐसे पूछ रही हूँ, पर आप बहुत परेशान लग रही हैं। आंटी क्या हुआ? अब क्या बताओ बेटा, लड़के की बहन शगुन की मेहंदी लेकर आई और अभी तक मेहंदी लगाने वाले आए नहीं। अब सारी रस्म खत्म होते ही सब लोग मेहंदी लगाने के लिए आ जाएंगे, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बस इतनी सी बात, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं मेहंदी लगा दूंगी। तुम्हें मेहंदी लगाने आती? हाँ, करवा चौथ और दिवाली में माँ को मेहंदी मैं ही लगाती थी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुंबई की हथेली पर अगर इंदौर का चांद नहीं दिखाया ना, तब कहिएगा। चले चल चल। यस पाप, मैं हमारी अकाउंटेंट अनीता जी की बेटी के संगीत फंक्शन में जा रहा हूँ। But why? All the way to मीरा रोड और दही सर? गिफ्ट भिजवाते था काफी था? आज की JW मैरिट की इस पार्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, वहाँ पर सारे बिजनेस हेड और कॉर्पोरेट हेड्स होंगे। इसीलिए तो वहाँ नहीं जा रहा पा। मतलब? I mean कि उस पार्टी में तो अपनी अपनी फील्ड के बहुत सारे अरमान उभरे होंगे, मुझ पर मीडिया का फुल फोकस नहीं होगा। Whereas अगर मैं अपनी अकाउंटेंट के फंक्शन में जाता हूँ तो इट विल बी अ बिग डील, सारे एम्प्लॉयज कहेंगे कि बॉस हो तो अरमान ओबरॉय की तरह, और बाकी सब तो मेरी पीआर टीम हैंडल कर लेगी। नेक्स्ट डे के page 3 पर यही न्यूज होगी, शोमैन ग्रेसेस ऑर्डिनरी वुमन्स मैरिज, और अगले दिन ट्रेंडिंग होगा #, नो बॉस लाइक अरमान ओबरॉय। वाओ, एक ऑर्डिनरी से मोमेंट को तुमने इमेज बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। आई नेवर थॉट अबाउट दिस। क्या करें पा, अरमान ओबरॉय को करना पड़ता है। That's right. All the best, my son. I'll see you. Excuse me. प्रिशा, तू कहाँ जा रही है? I'm leaving now, mom. थोड़ी देर रुक जाना। क्या करूंगी थोड़ी देर रुक के? I mean, वैसे भी यहाँ कौन सा कोई प्रिंस चार्मिंग आने वाला है? 9 to 5 जॉब के लिए सुबह शाम ट्रेन के धक्के का कर, सबकी शक्लें फुल डिप्रेसिंग हो गई है। I'm done. Yeah. प्रिशा,
रुक ना बेबी। अरे अरे गाड़ी आ रही है। लगता है कोई पैसे वाला है। कैसे आ गए अनीता के घर पे? कोई दिख रहा है क्या? कौन नहीं देखना। अनीता जी, आपको आपकी बेटी की शादी मुबारक हो। ओबेरॉय टेलीफिल्म्स की तरफ से ये छोटा सा तोहफा अपनी बेटी की शादी पर एक्सेप्ट कीजिए। नहीं नहीं, इतना महंगा गिफ्ट मैं नहीं ले सकती। अनीता जी, आप तो अरमान सर को अच्छी तरह से जानती हैं ना। उनके लिए उनका हर एम्प्लॉय फैमिली की तरह है, और फैमिली को दिए हुए तोहफे की प्राइस नहीं, उसके पीछे की फीलिंग देखी जाती है। प्लीज एक्सेप्ट दिस। फिर भी नहीं ले सकते। अनीता जी, अरमान ओबेरॉय की तरफ से आपकी बेटी की शादी के लिए तोहफा एक्सेप्ट कीजिए। अरमान सर, आप? हाँ मैं। क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? अरे ड्राइवर बंद कर। ओ कम ऑन अनीता जी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। और वैसे भी हमारे सीरियल्स में ये ड्रामा और सस्पेंस तो होता रहता है ना, तो मैंने सोचा ऐसा कुछ यहाँ पर भी क्रिएट करते हैं। शादी वाला माहौल है, फन और मस्ती तो होना चाहिए ना। सर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरी बेटी की शादी के फंक्शन पे आए। थैंक यू सर, थैंक यू। अनीता जी, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। इतने सालों से आप हमारी कंपनी के अकाउंट्स देख रही हैं, हमारी सक्सेस में आपका इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। प्लीज हमारी कंपनी की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट आप एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओह कम ऑन सर, आइए ना, आइए प्लीज। सृष्टि, तेरे को मालूम है? हाँ। तेरे संगीत में है ना? Oh my God! अरमान ओबेरॉय आए हैं क्या? हाँ, can you imagine? और उन्होंने तुझे पता गाड़ी गिफ्ट की है। गाड़ी? गाड़ी। अरमान सर, यहाँ पर हे महाकाल। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.